वेलकम टू रॉकी पीएलसी क्लासेस। पहला क्लास में हम लोग पीएलसी क्या होता है, पीएलसी व्हाट इज पीएलसी, उसका डिस्कशन किए थे। हम लोग आज डे टू क्लास है, बेसिक गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट पीएलसी, लेट्स डिस्कशन अबाउट बेसिक गेट्स। एक एक गेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, ये सब क्या होता है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का है एंड गेट। और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। ये आप लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट, ठीक है। ये लोग हम लोग प्लस टू, बीटेक, डिप्लोमा कहीं पढ़ चुके हैं। पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक गेट्स के बारे में। पहले एंड गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड गेट होता क्या है, उसके बाद एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आप देख लीजिए। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट सेक्शन है, ए बी दो इनपुट है, ये मान लीजिए वाई है, आउटपुट है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल ये है हम लोगों का ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में हम लोग ट्रू फॉल्स करके एक्सप्रेशन करते हैं। ये है ए बी, ये दो इनपुट है, ये वाई है, आउटपुट है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है। अगर यहाँ पे हम लोग जीरो फॉल्स लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स लेते हैं, तो फॉल्स निकलेगा। ये पहला केस है, ये सेकेंड केस है, फॉल्स ट्रू फॉल्स निकलेगा, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स निकलेगा, ट्रू 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 निकलेगा। तो हम लोग का ए में अगर हम जीरो देंगे, बी में भी जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो देते हैं, माने ये है फॉल्स, ये भी फॉल्स देते हैं, तो वाई हमारा फॉल्स ही निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फॉल्स देंगे, यहाँ पे ट्रू देंगे, वन ट्रू, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स भी निकलेगा, ठीक है। ये केस टू है, ये केस वन है, ये केस टू है, ये केस थ्री है, ये केस फोर है, ठीक है। तो केस वन, केस टू चला, केस थ्री में हम लोग यहाँ पे फॉल्स ट्रू देंगे, वन इक्वल टू वन ट्रू, यहाँ फॉल्स देंगे, तो हम लोग का आउटपुट फॉल्स ही निकलेगा। केस फोर आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रू देंगे, यहाँ पे हम फॉल्स देंगे, ट्रू देंगे, दोनों में ट्रू देते हैं, तो हम लोग का ट्रू ही निकलेगा, सॉरी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बारे में भूल जाइए, यहाँ पे लो हाई, तो जो जो ट्रू है उसको हम हाई बोलेंगे, जो फॉल्स है उसको हम लो बोलेंगे। ये हम लोग का पीएलसी में रिप्रेजेंटेशन है, आप ट्रू फॉल्स को भूल जाइए, हाई लो, यानी कि यहाँ पे हम देख लीजिए, ए को हम
लो देंगे, बी को भी लो देंगे तो हम लोग का लो निकलेगा। ए को लो देंगे, बी को हाई देंगे, लो निकलेगा। ए को हाई देंगे, बी को लो देंगे, लो निकलेगा। ए को हाई देंगे, बी को हाई देंगे, हाई ही निकलेगा हम लोग का आउटपुट। ये आउटपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, ये आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम और डिस्कशन नहीं करेंगे। बस लो और हाई इसको आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसका ये है, इसको हम सीरीज में सर्किट डायग्राम। इसका सीरीज में सर्किट डायग्राम कैसे होता है देख लीजिए। दो स्विच है, ये कॉइल है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये कॉइल, मान लीजिए बल्ब है, कोई क्या बोल जो भी बोल सकते हैं। ये स्विच वन है, ये स्विच टू है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हम लोग अभी करंट देंगे तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम लोग जब करंट देंगे तो हम लोग यहाँ से ए फ्लो होगा। तो पहला केस ये लेते हैं, जीरो मतलब ओपन है, वन मतलब क्लोज है, ठीक है। इसको हाई को ओपन बोल सकते हैं, लो को सॉरी हाई को हम लोग क्लोज बोलेंगे, लो को ओपन बोलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से करंट देते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट देते हैं, स्विच वन को जीरो देंगे, स्विच टू को भी जीरो देंगे। तो स्विच जीरो ओपन है, फॉल्स है, तो करंट हमारा पास ही नहीं होगा, तो बल्ब हमारा जलेगा ही नहीं, ठीक है। अगेन हम देते हैं स्विच वन को वन देते हैं, इसको जीरो देते हैं, यहाँ पे ही पास नहीं होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाए, ये ओपन हो जाएगा, आगे करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है। देन इसको वन, इसको जीरो, तो हम लोग का यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो तीनों केस में हम लोग का जीरो ही मिलेगा, मतलब कॉइल जलेगा ही नहीं। लेकिन दोनों को अगर हम क्लोज कर दे देते हैं, करंट हमारा पास हो जाएगा, बल्ब हमारा जलेगा, ये क्लोज हो जाएगा, बल्ब हम लोग का जलेगा, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो एंड गेट को हम लोग लैडर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वही हम सीखेंगे। तो लैडर एंड गेट को लैडर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ब्लॉक में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम सीखेंगे। पहले लैडर लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंड गेट इन लैडर लॉजिक। ठीक है, लैडर लॉजिक सीखने से पहले हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे जो जरूरी है। ये हम लोग का नॉर्मली ओपन है, ओपन स्विच, ठीक है, इसको हम नॉर्मली ओपन स्विच है, ठीक है। ये है नॉर्मली क्लोज स्विच, नॉर्मली क्लोज स्विच, ये ओपन स्विच को डिनोट करेंगे, ये क्लोज स्विच को डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक चीज, ये हम लोग का आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है। और एक चीज, अगर हम लोग नॉर्मली ओपन स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज स्विच हो जाएगा। अगर इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं, तो हम लोग का ये वाला ये हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको प्रेस करते हैं तो नॉर्मली ओपन स्विच हम लोग का क्लोज में आ जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर क्लोज स्विच को प्रेस करते हैं, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लैडर लॉजिक का कुछ टर्म है, आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद एंड गेट को
AND गेट को कैसे हम लोग लैडर में रिप्रेजेंट करेंगे हम बताते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया, मिटा देते हैं हम लोग, साइड में उसका ट्रूथ टेबल बना देते हैं, यानी कि आप लोग का आसानी होगा। ए है, बी है, वाई है, जीरो जीरो वन, सॉरी जीरो जीरो वन, जीरो वन, जीरो जीरो वन वन वन, ठीक है। जो हमारा पहला केस है ये केस वन है, ये केस टू है, ये केस थ्री है, ये केस फोर है। ठीक है, पहला केस को हम लोग, ये सीरीज में होता है तो हम लोग ये एक ओपन स्विच लिए, जीरो मतलब ओपन है, और एक ओपन स्विच लिए, ये हम लोग का कॉयल है, आउटपुट है। ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का वाई है, इसको बोलते हैं रॉन्ग, आर यू एन जी, ये वाला जो चीज है इसको हम रॉन्ग बोलेंगे। ये पहला रॉन्ग है, उसके बाद सेकेंड रॉन्ग ऐसे करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ये सेकेंड रॉन्ग होगा। तो ये हम लोग का पहला रॉन्ग है, ये हम लोग का, हम लोग पहले बताए थे AND गेट का सीरीज में होता है, ये ए है, ये बी है, हम लोग का वाई निकलेगा। तो हम लोग ए में अगर जीरो देंगे, बी में भी जीरो देंगे, तो हम लोग का वाई में जीरो ही निकलेगा। ये ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन हो जाएगा। ये हम लोग का आउटपुट सेक्शन है, ये हम लोग का इनपुट सेक्शन है, बस हम पार्टीशन कर दिए हैं, ठीक है। ये केस वन है आपका, केस वन। आप लोग का केस टू कैसे होगा, ये वाला केस, ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। पहले हम ओपन लेंगे, उसके बाद क्लोज लेंगे, ये आउटपुट है। ये ए है जीरो, बी है वन, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कितना निकलेगा, जीरो, ठीक है। अगर ए को हम लो देंगे, बी को हाई देंगे, तो हम लोग का लो ही निकलेगा। ये ऐसे ही आप लोग बोलेंगे, आप किसी को बोलेंगे तो हम लोग लो देंगे, लो देंगे, लो देंगे, हाई देंगे, लो निकलेगा। उसके बाद केस थ्री, ये हम लोग का एन सी है, एन सी, ये एनओ है, एनओ, उसके बाद ये कॉयल है, रॉन्ग, ठीक है। ये हम लोग ए को वन देंगे, बी को जीरो देंगे, वाई हम लोग का जीरो निकलेगा, ठीक है। ये केस थ्री है, उसका केस फोर, ये एन सी, उसके बाद एन सी, हम लोग का आउटपुट वाई इक्वल टू ए वन, बी वन, वाई इक्वल टू वन निकलेगा, ए वन, बी वन, वाई इक्वल टू वन निकलेगा। ये आप लोग देख लीजिए एक बार, हम लोग बुलियन जो एक्सप्रेशन था ये AND गेट का, ये जो ये AND गेट का था, ये ए, ये बी, ये वाई इक्वल टू ए डॉट बी, इसको हम लोग ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल को हम लोग लैडर में रिप्रेजेंटेशन किए। ये कैसे किया हम लोग ये बताए, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, ये केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। हम लोग का अगर यहाँ पे पहला एनो कॉन्टैक्ट, ये एनो कॉन्टैक्ट, दोनों एनो कॉन्टैक्ट लेंगे तो इसको आउटपुट एनोइन, एनोइन मतलब लो 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 ही निकलेगा, लो हाई लो, हाई लो लो, हाई हाई हाई, ये क्लियर। ये हम लोग का लैडर में रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ब्लॉक में रिप्रेजेंट सीखेंगे, ठीक है। तो AND गेट इन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हम कैसे होता है हम सीखेंगे, पहले हम लैडर में सीखे थे, अब फंक्शनल में सीखेंगे। तो एनो को हम लोग लैडर में ऐसे ही बनाए थे, ठीक है, लेकिन फंक्शनल में हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे,
एन सी को हम लोग लैडर में हम लोग ऐसे ही डिनोट किए थे, लेकिन फंक्शनल में हम लोग उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट, आउटपुट को हम लोग ऐसे लैडर में डिनोट किए थे, इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं। पहला केस में हम लोग लैडर में कैसे था पहले आप देख लेते हैं। ये लैडर में था, ये बी, ये वाई इक्वल टू ए डॉट बी। इसको हम बनाएंगे फंक्शनल ब्लॉक में। देख लीजिए, ये पहला एनो है, और एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, उसको बाद कॉइल में देंगे। उसके बाद एंड गेट लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा गलती किया, उसके बाद ये हम लोग का आउटपुट है। ये है ए, ये है बी, ये है वाई इक्वल टू ए डॉट बी। हम लोग का ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, ये डीप रहेगा। ये पहला केस है, हम लोग यहाँ पे जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो देंगे, एनो कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट, लो 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 ही निकलेगा। ठीक है, हम लोग सेकेंड केस बनाते हैं, केस टू। लैडर में देख लेते हैं कैसे था। लैडर में हम लोग का ये ओपन था, ये क्लोज था, उसके बाद आउटपुट। लेकिन फंक्शनल ब्लॉक में ये कैसे बनेगा देख लीजिए। ये रहा इसको माइनस वन लेंगे, ये एनसी है, उसके बाद एंड गेट में पास करेंगे, उसके बाद आउटपुट देंगे। ठीक है, यहाँ पे लो, बी को भी हाई, तो हम लोग का वाई इक्वल टू लो निकलेगा। ठीक है, उसके बाद केस थ्री बनाते हैं। केस थ्री, ये एम सी था, ये नो था, ठीक है, ये नो, उसके बाद आउटपुट जीरो। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लेंगे एम सी माइनस वन, ये वाला सीधा छोड़ देंगे एंड गेट, ये लो, तो ये हाई, ये लो, तो हम लोग का लो निकलेगा। उसके बाद केस फोर में आते हैं, दोनों एनसी रहेगा, माइनस वन, बस ये हाई, हम लोग का हाई निकलेगा, हाई। ये हम लोग का फंक्शनल ब्लॉक में रिप्रेजेंटेशन है। ये एबीबी का पीएलसी है, ये एलन ब्रैंडली का, हर लॉजिक में ये एलन ब्रैंडली का है, एबी, ये एबीबी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम और कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।